हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है माइडेड ब्रेन हिंदी मीडियम में मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए एक नज़र देख लेते हैं यहां पर दिया है क्लास सेवन इंग्लिश एमपी बोर्ड वन वे टिकट पार्क वन लेसन नंबर ट्वेल्व एक्सरसाइज अब यहाँ दिया है रीड एंड लर्न टू शॉर्ट पैच स्केल्स चेटरबॉक्स अ चाइल्डिश आइडिया प्लेट्स एक्वेरियम हडल टुगेदर गॉसिप मेज इनोसेंट ऑकवर्ड कॉपीज गेट यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं कुछ वर्ड्स दिए हैं कुछ आप देख पाएंगे तो उनको आपको क्या करना है आपको उनको लर्न करना है उनको रीड करना है बार बार ऐसे करने से क्या होगा आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी आप फ्रेजेस को जोड़ पाओगे ठीक है अगर कोई डाउट्स हो उनकी रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, कर बता सकते हो कॉम्प्रहेंशन आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो अब नीचे क्या दिया है अब देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इनके आंसर्स देने हैं वॉट डज किश्तू बियर अब किश्तू क्या पहना है किश्तू बियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता वो बड़ा सा खादी कुर्ता पहना है एंड हिज पैजाम आर टू शॉर्ट्स और उसके जो पैजामा है वो बहुत छोटे छोटे हैं हिज लॉन्ग एग्जाम लॉन्ग लेग्सम लेग्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं और उसके पैजाम जो हैं बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं तो हमने आपको फोटो बताई थी वॉट इज चटर वॉट इजरबॉक्स क्या होता है is Chatterbox. Who is? अब अगर आप आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पर आप पाओगे कि में overall, who is? ना, कौन है Chatterbox? है। आपको पता है वो बहुत अच्छे तरीके से ना बातचीत किया करती थी बहुत बातूनी थी वो। तो यहाँ पर who is Chatterbox? Chatterbox कौन है यहाँ पर चलिए वॉट डज लंबू ऑलवेज जू लंबू हमेशा क्या करता था लंबू इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चन बटिंग का मतलब इंटरफेयर करना बहुत लोगों के बीच में उछल कूद करना क्वेश्चन और हमेशा क्या करता था सिली सिली क्वेश्चन जो है उसको पूछा करता था और गिविंग चाइल्डिश आइडिया और या तो क्या करता था चाइल्डिश आइडिया बचकाने आइडिया देता था क्वेश्चन नंबर फोर वाई इज क्वेश्चन कॉल्ड द वाइज मैन अब यहां पे किशन को वाइज मैन क्यों कहा जाता है बुद्धिमान आदमी क्यों कहते हैं उसको किशन इज कॉल्ड द वाइज मैन बिकॉज ही सॉल्व एवरी वन प्रॉब्लम वो हर एक लोगों का क्या करता है प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं हम उसको वाइज मैन बुलाते हैं डिस्क्राइब गिट्टू ड्रेस यहाँ पर आपको क्या करना है गिट्टू के ड्रेस को बताना है हाउ डज ही कीप एवरीबडी इंफॉर्म हर व्यक्ति को कैसे इन्फॉर्म रखता है गिट्टू इज़ ऑलवेज डेज इन खाकी अब यहाँ पर बताया गया है कि जो गिट्टू है वो क्या करता है हमेशा खाकी ड्रेस में रहता है ही गैदर्स न्यूज़ एंड गॉसिप्स अब वो क्या करता है ना हमेशा न्यूज़ को इकट्ठा करता है ठीक है गॉसिप्स को ना गॉसिप क्या होता है बातचीत करना है ना फ्रॉम द होल विलेज है ना वो क्या करता है गॉसिप करता है पूरी लोगों से जो विलेज में रहते हैं एंड कीप्स एवरी वन इन्फॉर्म और वो क्या करता है बाकी सभी लोगों को ना जानकारी देता रहता है तो यानी वो एक ऐसा आदमी जिसको पूरी पूरी जानकारी तो गिट्टू बहुत क्या है ऐसा आदमी सारी जानकारी अवेलेबल है ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानकारी नहीं रखते वो जानकार आदमी है गिट्टू भी वॉट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन अब यहां पर बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन क्या प्लान करते हैं है ना आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन जब ब्रेक्स हो जाती है जब रुक जाती है अच्छे तरीके से तो वो लोग क्या सोचते हैं वो लोग क्या करेंगे द चिल्ड्रन प्लान टू वॉक टू द फेयर वो लोग सोचते हैं कि वे लोग क्या करेंगे खुद पैदल चलकर है ना उन्होंने नियोजन किया प्लान किया कि वो लोग क्या करेंगे खुद पैदल चलकर क्या करेंगे फेयर तक जाएंगे एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे बाय द मॉर्निंग बस और मॉर्निंग बस में ना मॉर्निंग बस का मतलब क्या होता है सुबह सुबह की बस के द्वारा वो लोग क्या करेंगे वापस से रिटर्न हो जाएंगे ना रिटर्न द नेक्स्ट डे वापस से रिटर्न होकर वो आ जाएंगे ठीक है किसके द्वारा मॉर्निंग बस के द्वारा वाई डिश्न कृष्ण कृष्ण सजेस्ट टू गो ऑन फूड है ना वो पैदल पे चलने की बात क्यों सजेस्ट करता है किशन सजेस्ट टू गो ऑन फूड बिकॉज देर वर नो चांस ऑफ द बस टू गेट रिपेयर सोन अब देखिए यहाँ पर आएगा सोन तो कृष्ण जो है वो सजेस्ट करता है टू गो ऑन फूड है ना फुट पे फुट पे चलो पैर पे चलो क्योंकि देर वर वहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं थे ऑफ द बस है ना बस के लिए कोई भी चांसेस नहीं थे टू गेट रिपेयर सोन वो जल्दी सोन क्या हो सकती है जल्द से जल्द रिपेयर भी नहीं हो सकती थी इसी लिए उसने कहा कि हम पैरों से चल कर आगे जाते हैं तो यहाँ पर आएगा एस जबलो एंड सोन वॉट डू दे टू इन्फॉर्म दे पेरेंट्स वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके पेरेंट्स को जानकारी मिल जाए इन्फॉर्म कर ला बताना दे कॉल द पोस्टमैन ऑन टेलीफोन और वो लोग क्या करते हैं टेलीफोन पे पोस्टमैन को कॉल करते हैं है ना अब देखिए आपके पास अगर फोन होगा तो आप क्या करोगे फ़ोन करके दूसरे को बता पाओगे तो पास फोन था ना तो उन्होंने तो क्या किया दे कॉल द पोस्टमैन उन्होंने टेलीफोन पर कॉल लगाया टू इन्फॉर्म देअर पेरेंट्स अबाउट दैम उनके पेरेंट्स को बताने के लिए उन्होंने क्या करा उनको इन्फॉर्म करने के लिए टेलीफोन पर कॉल लगाया अब आप बोलोगे सर ये ऑन टेलीफोन कैसे आ गया ये प्रिपोजिशन क्या क्या क्यों लगाया प्रिपोजिशन हमेशा हम यंत्रों के आगे लगाते हैं याद रखिएगा अब वर्ड पावर पर आते हैं यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो यहां पर कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं आपको उनको यूज करना है कीपिंग अ वॉच बोर्ड अ बस थ्री पीस ब्रोक डाउन है ना अब जैसे कीपिंग अ वॉच ना वॉच करना देखना बोर्ड अफ बस ना बोर्ड का ना बस पे चढ़ना ना चीजें आप, मतलब तु, तो आप बोर्ड से भी देख आप, इंतजार हो, जाना है, तो आप क्या कर रहे हो बस को हायर कर लोगे बस में बैठ के जाओगे तो वही है बोर्ड ऑफ बस इसका सीन इस तरह निकल कर आता है माई टू व्हीलर ब्रोक डाउन आई वॉज गोइंग होम है ना मेरा टू व्हीलर जो है वो टूट गई थी जब मैं क्या कर रहा था घर जा रहा था मोती द डॉग इज अ वॉच ऑन ऑल द पीपल गोइंग इन साइड द गेट अब यहां पर कहा जा रहा है जो मोती है याने कुत्ते का नाम है वो क्या करता है देख रहा है सभी को कीप कर रहा है ध्यान रख रहा है वॉच कर रहा है आंखों से ऑन ऑल द पीपल जितने भी लोग हैं क्या कर रहे हैं अंदर की ओर जा रहे हैं गेट में वी हैव टू बोर्ड अ बस एट या टू गो टू पचमड़िया भाई हमको बस को हायर करना पड़ेगा हमको बस के टिकट वगैरह लेकर अच्छे से रेडी होकर बस में चढ़ना होगा तो हमको बोर्ड में चढ़ना है क्या जैसे ही या आ जाएगा यानी कि वी हैव टू बोर्ड अ बस एट या जब या पहुँच जाएंगे तो बस में चढ़ जाएंगे टू गो टू पचमढ़ी पचमढ़ी जाने के लिए आई हैव अ थ्री पीस ब्लू सूट हमारे पास तीन पीस हैं किसके ब्लू सूट के तो तीन पीसें तीन टुकड़ों की बात हो रही है बी पे देखते हैं देर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंडस यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनकी सिमिलर साउंडस हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स लेकिन उनका अलग मीनिंग होता है मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स हमें क्या करना है मैच करना है इन वर्ड्स को उनकी मीनिंग के साथ ईच पेयर के साथ ठीक है अब अब देखो टायर टायर एक ही जैसा वर्ड का साउंड निकल रहा है ना टायर बोला ना टायर बोला हाँ भले ही साउंड एक जैसा है इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग है लेकिन मीनिंग भी आप अलग अलग देख पाओगे पर साउंड जो है इनका एक जैसा निकल रहा है हाँ, अब तो आप देखिए यहां पर क्या होगा अब जैसे यहाँ पर क्या करा है इन्होंने यहाँ पर मैच भी करना है ऐसे वर्ड्स आपको दे दिए हैं ठीक है ये मैच नहीं है ना मैच नहीं आपको क्या करना है इनको ऊपर नीचे करके इनको मैच करना है अब देखिए टायर है तो टायर का क्या होगा एग्जॉस्ट ना टायर मैं बहुत थक गया हूँ टायर आपने टायर सुना होगा ना व्हील के टायर को टायर बोलते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्यों दिया है ताकि बच्चे लोग ना इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि टायर और टायर में क्या अंतर होता है भले ही इनके साउंड एक जैसे हो अब जैसे टायर है एग्जॉस्ट ना थक जाना टायर ये रबर कवरिंग और भी ना व्हील को जो कवर करती है उसकी रबर की बात कर रहे हैं हम हेयर हेयर दोनों एक जैसे हैं अब इनका आंसर क्या होगा देखिए हेयर रैबिट को बोलते हैं ना और हेयर इट ग्रोज हो ये मेरे बाल को हेयर कहेंगे तो रैबिट को भी हेयर कहते हैं और एच ए आई आर अब बस आपको ये समझना है कि स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है बस अब यहां दिया है क्वाइट क्वाइट दोनों का मीनिंग एक जैसा है कंप्लीटली नो नॉइज अब इसमें हम कैसे मैच करेंगे देखिए क्वाइट नो नॉइज प्लीज बी क्वाइट ना कोई नॉइज मत बनाओ कोई नॉइज मत करो क्वाइट कंप्लीटली पूरी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना एक मीनिंग मीनिंग इसका होता no होता है, एक होता है एक कंप्लीटली पूरी तरीके से प्लेन प्लेन दो प्लेन होते हैं Now, अब आपको क्या करना है सेपरेटली क्या करना है यहां पर जिसे सेंटेंस बनाना होगा आपको वेन सीमा केम फ्रॉम ऑफिस शी वॉज टू टायर्ड अब यहां पर बोला जा रहा है कि जब सीमा आई थी है ना कैम फ्रॉम ऑफिस शी वॉज टू टायर्ड वो बहुत थकी हुई थी थक चुकी थी ना आप यहाँ पे देखिए वॉज टू टायर्ड थक चुकी थी ना थकी हुई थी आप कह सकते हो नॉर्मली तो ऑफिस से आई थी थक गई थी वो तो यहाँ पर हमने टायर का यूज़ किया अब टायर देखिए यहाँ पर क्या होगा द टायर ऑफ निकल स्कूटर गॉट पंक्चर ऑन द वे अब रास्ते में क्या हो चुका था रास्ते में ये हो चुका था कि जो निकिल है उसके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया हेयर अब देखिए। हेयर इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग कैरेट क्या अच्छा लगता है कैरेट खाना बहुत अच्छा लगता है तो हेयर किसको कहते हैं हम रेबिट को हेयर किसको कहेंगे अब हेयर देखिए रंजना इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल है ना रंजना नाम की एक लड़की है वो बाल के झड़ने से बड़े परेशान है सफर कर रही है किससे प्रॉब्लम ऑफ फॉल क्वाइट अब यहां पर देखिए क्वाइट में अब क्या आएगा द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट एज ए टीचर एंटेड द क्लास रूम जैसे ही टीचर एंटर होती है क्लासरूम में वैसे ही बच्चे क्या होते हैं बच्चे लोग क्वाइट हो जाते हैं शांत हो जाते हैं नॉइज नहीं बनाते हैं. अब देखिए क्वाइट इट्स क्वाइट एन ईजी जॉब अब यहाँ पर लिखा है क्वाइट तो क्वाइट का मतलब था कम्प्लीटली तो ये कम्प्लीटली क्या है बहुत ईजी जॉब है सिंपल सी जॉब है अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कितनी ईजी जॉब है लेकिन कठिन है कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें तो प्लेन और प्लेन अब यहाँ पर आप ध्यान से दो देखो तो क्या लिखा होगा शी वॉर अ प्लेन ड्रेसिस अब यहाँ पर क्या दिया है ड्रेस तो प्लेन मतलब सिंपल सी प्लेन ड्रेस वो पहनी हुई है अब देखिए प्लेन इट वॉज शाम फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ट्रैवल इन अ प्लेन अब देखिए एक तो प्लेन है नॉर्मल सी ड्रेस पहनी हुई है और यहाँ पर शाम है ना शाम क्या कर रही है शाम आज ना जो शाम से शाम की बात हो रही है लड़की नहीं लड़का है श्याम्स श्याम्स तो शाम की जो पहला एक्सपीरियंस था जो ट्रैवल किया उसने प्लेन में तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉज तो था है, तो पास्ट का वर्ड हो गया तो इट वॉज शाम्स फर्स्ट एक्सपीरियंस श्याम का पहला एक्सपीरियंस था किसका प्लेन पे ट्रेवल करने का था तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या कहा जा रहा है तो यहाँ पर सब सेंटेंसेस जो थे शीव अ प्लेन ड्रेस वो क्या पहनी थी ना प्लेन ड्रेस पहनी थी तो यहाँ पर सारे सेंटेंसेस कहीं ना कहीं बहुत सारे पास्ट में दिए हुए हैं तो जब भी आप पढ़ो तो उस चीज़ को समझो कि था और है कहीं ना कहीं हमको लगाना होगा ग्रामर इन यूज़ अब हमको क्या करना है ग्रामर यूज़ करना है कंबाइंड द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु व्हाट व्हेन विच और वेयर अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले भी एक एक्सरसाइज कवर की थी उस एक्सरसाइज में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था इस बात को कि कहीं ना कहीं क्या होता है दो सेंटेंसेस रहते हैं उन दो सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं ठीक है डब्ल्यू एच वर्ड से अब डब्लू एच वर्ड से ज्वाइन करते समय हम इस बात पर ध्यान रखते हैं कि आपको उसको किस तरह से ज्वाइन करके सेंटेंस बनाना है ना ये एक तरीके से क्या हो होगा कनेक्टिव कनेक्टिंग वर्ड्स हो गए है ना अब आप यहाँ पर देखिए हर जगह आपको विच दिया हुआ है आप देखोगे एक जगह बिज दिया है तो आप समझ जाओ कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है यहाँ पर आपके बगल में आपको दे दिया है एक एच वर्ड ना एच वर्ड को आप जोड़ोगे अब देखिए दो सेंटें तो से उसका सेंस निकला कि रंजना वही किताब खरीदना चाहती है जो रामू के पास है ठीक है तो हमने क्या करा विच को यहाँ पर हमने जोड़ा ठीक है तो इससे हमारा ये सेंस निकल कर आ गया तो हमने क्या करा रामू वॉन्ट्स अ तो बुक अब बाय अ बुक अब, अब, अब यहाँ पर आप देखोगे कि रंजना वॉन्ट्स टू तो बाय द सेम बुक है ना हमने इसको यहाँ पर आगे ले आए और हमने क्या करा उसके बाद रामू को पीछे कर दिया नहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं सेंटेंस को इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा बिच वहाँ पर एडजस्ट होकर ईजीली आ जाए तो हमको ध्यान में रखना है ऐसा नहीं करना कि रंजना टू बाय बुक रामू हैज सेम बुक ऐसे नहीं करना आप लोग क्या करोगे या विच डाल दोगे या दो ही तो सर ने बताया ऐसा नहीं सेंटेंस को इस तरह फ्रेम करना है ताकि उसका कुछ सेंस निकल कर आए अब मदर वेंट टू मार्केट रामू वॉज स्लीपिंग तो अब इसका क्या होगा आंसर जब मम्मी गई मार्केट में तब रामू तो सो रहा था तो आप उसको कैसे जोड़ोगे तो देखिए मदर वेन टू मार्केट वेन रामू वॉ स्लीपिंग अब इसका मतलब क्या मदर गई थी कहाँ? मार्केट में ना जब रामू सो रहा था तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बोल सकते जब रामू सो रहा था तब बाजार गई थी ऐसे भी निकल सकता है ठीक है तो अब जब यहाँ पर आ गया तो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया है I found the pen, I had kept it. अब वापिस बार बार बता रहा हूं ऐसा नहीं करना है पेन वेर आई हेड कैप्टेन है कभी कभी तुक्का लग जाता है सही हो जाता है सेंटेंस पर आपको ध्यान रखना होगा कि इस बात पर कहीं ना कहीं जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो उसके लिए आपको सेंस जोड़ना आप ऐसे भी कर सकते हो आप दिमाग लगाओ आई फाउंड द पेन आई हैड इट सोचो कि आई फाउंड आई आई हैड इट द पेन वेयर हैड फाउंड इट ऐसे दिमाग लगाइए सोचिए बार बार तो क्या होगा उससे आपका सेंटेंस बन जाएगा अब जैसे यहां पे दिया है आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड हेड इट अब जैसे मैंने आपको बताया था कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप यहाँ पर लगा लो तो दोनों सेंटेंस कनेक्टेड हो जाते हैं ठीक है तो वैसे यहां पर हुआ कलम वही मिली जहां मैंने रखी थी ठीक है तो इस बात को आप ध्यान में रखें कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे नहीं हो पाएगा जैसे पूर्व के सेंटेंसेस में आपने देखा लेकिन इन सेंटेंसेस में आप देखने का प्रयास करें कि कहीं ना कहीं आपको चीजों को सोचना है समझना है और फिर ऐड करना है सोना कोल्ड मी आई वॉज रीडिंग अब यहां पर क्या करोगे सोना कोल्ड मी वेन आई वॉज रीडिंग अब यहां पर सिंपली आप बीच में वैन रख लोगे आपको इसी सेंटेंस बन जाएगा जब मैं पढ़ रहा था तो सोना ने मुझे फोन किया द टीचर पनिश द बॉय ही वॉज मेकिंग अ नॉइस ये भी बहुत ईजी है इसमें क्या करेंगे द टीचर पनिश द बॉय हु वॉज मेकिंग द नॉइस अब टीचर क्या कर रही है आप लोग बहुत लकी है कि यहां पर आप लोगों ने हो हुड कर दिया और आपका बन गया लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि टीचर पनिश द बॉय टीचर ने क्या करा पनिश किया लड़कों को जो क्या कर रहे थे नॉइस कर रहे थे सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलता है शोर मचाने वाले लड़के को टीचर ने सजा दी ना? तो यहाँ पे जो लड़का था जो शोर सजा मिल गई क्या तो क्या करा करा ही को हु कर दिया ठीक है तो जो क्या कर रहा था noise कर रहा था तो इस तरह से हमने क्या करा हमने एडिशन किया ठीक है डब्ल्यू एच वर्ड्स का तो यहाँ पर क्या दिया रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिमूविंग टू एसोन इन द एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है आपको है ना टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक अब मैं आपको बताता हूँ को कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर सिर्फ टू को हटा कर क्या करना है सो so लगाना है कैन नॉट ऐड करना है और ये जो वर्ब है फर्स्ट जो बेस फॉर्म है वर्ब का उसको उनको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देना है यानी यहाँ पर ड्रंक हो गया तो क्या करा हमने टी इज सो हॉट टू को हटा के सो हॉट करा कि डैट हमने यहाँ पर क्या कर दिया जोड़ दिया यहाँ पर है ना डायरेट इन डायरेक्ट जनरेशन में, में देखा था कि कनेक्टिविटी के लिए हम कनेक्टिविटी कंजक्शन जोड़ देते तो, हैं यहाँ पर एक कंजक्शन डैट जोड़ दिया ठीक है तो हमने यहाँ पर डैट को जोड़ा है कनेक्टर है ये और यहाँ पर कैन नॉट है ना कैन नॉट जोड़कर हमने क्या करा ड्रंक ड्रंक को ऐड कर दिया ठीक है तो हमने क्या करा है यहाँ पर हम सिर्फ यही फॉर्मूला लेकर आगे तक चलेंगे ठीक है सो देन जुड़ेगा ठीक है कैन नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर जुड़ जाएगा अब देखिए द सीलिंग इज टू हाई टू रीच अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे द सीलिंग इज सो हाई सो हमने ऐड कर दिया टू को हटा के दैट दैट जोड़ दिया इट कैन नॉट अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैन नॉट जुड़ेगा बी रीच ना और हमने क्या करा थर्ड फॉर्म इसको चेंज कर दिया ऐसी दट शर्ट इज टू बिग टू वियर अब वियर का आप जानते हो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वॉर हो जाएगा टू बिग ना टू काटा के हम सौ कर देंगे और देन ऐड हो जाएगा और कैन नॉट तो क्या होगा द शर्ट इज सो बिग दैट इज कैन नॉट बी वॉन शर्ट क्या है बहुत बड़ी है जिसको नहीं पहना जा सकता है ना तो आप इसका सेंस सी से निकाल सकते हो तो वॉर्न आ जाएगा यहाँ पर ठीक है द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू है बहुत महंगी है है ना बाय करने के लिए तो हमने क्या करा द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट ना इसको खरीदा नहीं जा सकता था क्योंकि ये ड्रेस जो है वो बहुत कॉस्टली है तो यहाँ पर कॉस्टली तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डैट को मैंने ऐड पर दैट ऐड हो गया ठीक है तो आपको कुछ भी नहीं करना यहाँ पर सिर्फ इस बात को समझना है कि सो so ऐड करोगे आप ना दैट देखो ये 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 और इस पर आपको पूरा वर्क करना है ठीक है आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है माय स्कूल इज टू फार टू वॉक टू अब यहां पर आप क्या करोगे माय स्कूल इज सो फार दैट इट कैन नॉट बी वॉक टू मैंने क्या करा अब वापस से सब कुछ वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपका वैसे ही लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप टू को अगर हटा रहे हो तो आपको सौ लगाना है ठीक है दैट हो जाएगा कैन नॉट और थर्ड फॉर्म लग जाएगा ना अब देखिए दिस पिक्चर इज टू लार्ज टू हैंग अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ये जो पिक्चर है वो क्या है बहुत बड़ी है है ना दैट कैन नॉट बी हंग नहीं किया जा सकता था तो यहाँ पर हमने क्या करा कैन नॉट लगा दिया ठीक है, नॉट बी हंग नहीं किया जा सकता तो यहां पर हमने क्या करा यहाँ पर भी हमने सौ लगाया दैट लगाया इस तरह से हमने एडिशन किया लेट्स टॉक टॉक टू फ्रेंड्स अबाउट वेरियस ड्रेसेस यहां पर आपको क्या करना है बातचीत करनी है आपको अपने दोस्तों से है ना बहुत से ड्रेसेस को लेकर दे और द मेम्बर्स ऑफ दर फैमिली है ना अब यहाँ पर देखिए टॉक टू येंड्स अपने दोस्तों से बात करिए अबाउट वेरियस ड्रेसेज ना आपकी जो बहुत सारे ड्रेसेस हैं उसको लेकर दे और द मेम्बर्स ऑफ दर फैमिली वियर है family wear, ना जो उनकी फैमिली पहना करती है ऑल्सो फाइंड आउट द स्पेशल क्वालिटीज एंड डाइट एट लीस्ट टू ऑफ देम और आपको यहाँ पर क्या करना है ठीक है देखिए ऑल्सो फाइंड आपको ढूंढना है द स्पेशल क्वालिटीज़ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं एंड डाइट एट लीस्ट टू ऑफ देम और आपको कम से कम दो तो लिखनी ही है यू कैन चूज़ दैम चूज फ्राम दीस वर्ड्स आप क्या कर सकते हो इन वर्ड से चुन सकते हो अब देखिए यहाँ पर ड्रेसेस दिया है क्वालिटी दिया है ठीक है आप लोगों को यहाँ पे धोती कुर्ता लुंगी साड़ी पेयर ऑफ ट्राउजर शर्ट स्कर्ट ब्लाउज पेयर ऑफ हाफ पैंट शॉर्ट टी शर्ट ये सब कुछ यहाँ पर दिया है क्वालिटी क्या दी है ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग थिन फैट यंग ये सब एडजेक्टिव है कहीं ना कहीं टॉकेटिव क्वाइट पीस चाइल्ड लाइक इनोसेंट ब्रेव वाइस इंटेलिजेंट ना तो कुछ क्वालिटीज यहाँ पर दी हुई हैं आपको तो आपको क्या करना है टॉक टू येंड अबाउट वी ड्रेसेज बहुत सी ड्रेसेज की उन्हें बातें करो यहाँ पर सब कुछ आपको दिया हुआ है है और द मेम्बर ऑफ दियर फैमिलीज उनकी फैमिली में पहना करते हैं ऑल्सो फाइंड आउट दर स्पेशल क्वालिटीज साथ ही साथ उनकी स्पेशल क्वालिटीज भी आपको क्या करनी है धूंनी है तो यहाँ पर हमने क्या करा है पूरा एक प्रॉपर बॉक्स बना दिया है के नाम है, जैसे ग्रैंड फादर फादर ग्रैंड मदर मदर सिस्टर ब्रदर ठीक है टाइप ऑफ क्लॉथ्स की बात हो गई क्वालिटीज हो गई तो अब ग्रैंड फादर कौन से क्लॉथ पहनते हैं धोती और कुर्ता और उनकी क्वालिटी क्या है लविंग है और वो थोड़े बूढ़े हैं अब यहां पर देखिए तो हमने क्या करा वापस हमने सारे आंसर्स यहां पर रेडी कर दिए अब चलिए सॉल्व करते हैं फादर क्या पहनते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं ठीक है और वो क्या है ऑनेस्ट हैं और वाइज हैं ना वाइज में समझदार हैं और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं अब देखिए ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर की बात हो रही है यानी तो वो क्या पहनती साड़ी पहनती है ब्लाउज पहनती हैं आप सभी को पता है और वो बूढ़ी हैं और लविंग नेचर की हैं मदर साड़ी और ब्लाउज है ना मदर क्या करती है वो साड़ी ब्लाउज पहनती हैं वो अपेक्शनेट हैं और हार्ड वर्किंग है है ना आप देख पाओगे कि आपकी मदर सबके मदर बहुत अपेक्शनेट होती हैं चाहती हैं हार्ड वर्किंग है, मेहनती होती हैं सिस्टर क्या करती है स्कर्ट और टी शर्ट पहनती है ठीक है टॉकेटिव और यंग बहुत थोड़ा सा बातूनी होती है और बहुत यंग है तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज बताई हैं ना सब लोगों ने अब ब्रदर की बात करें तो वो क्या करता है पेयर ऑफ ट्राउजर और शर्ट पहनता है ठीक है

और जब आपने क्या करा था अपना जो रास्ता था उसको खो चुके थे वॉट हैपेंड देन तब क्या हुआ था हाउ यू कैन कम बैक है ना हाउ यू कैम बैक कैसे आप पीछे कैसे वापस आए थे राइट अ पैराग्राफ उस पर क्या करो एक पैराग्राफ लिखो स्टार्ट लाइक दिस इस तरह लिखो वंस द मेंबर ऑफ माई फैमिली एंड आई वेंट टू अ नियर बाय ओवर है ना अब देखिए एक बार की बात है वंस द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली एक बार की बात है जो मेरी फैमिली मेंबर्स थे एंड आई वेंट टू अ अयर बाय रिवर साइड है ना हम लोग क्या कहें हम लोगों ने क्या करा हम पास की एक रिवर साइड में गए ना रिवर साइड का मतलब जो पास की जो रिवर होती है उसकी साइड में ना जो आप देखते हो जब रिवर वगैरह बहती रहती है तो साइड में जो जगह रहती है वहाँ की बात हो रही है वी वॉन्टेड टू सी वुड्स और हम लोग क्या चाहते थे हम लोग देखना चाहते थे क्या वुड्स को अब मैं आपको बता चुका हूँ वुड्स क्या है वुड्स और फॉरेस्ट में बहुत अंतर होता है वुड्स एक ऐसी जगह होती है जो किसी के अंडर में आती है और फॉरेस्ट एक पूरा खुला जगह होता है एंड वॉक इनटू द थिक फॉरेस्ट हम लोग क्या करें एकदम थिक मोटे फॉरेस्ट में क्या करें वहाँ पर चले गए थिक का मतलब यही होता है धना है ना देन इस तरह से आपको क्या करना है इस तरह से आपको पैराग्राफ चालू करना है और पैराग्राफ आपको लिखना है तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने देखा कि हमको इस स्लाइड क्या करना है ठीक है आपको इस तरह का पैराग्राफ बनाना होगा चलिए तो हम आंसर देखते हैं बी बैंट डीप इनसाइड द वुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग बहुत गहराई में जा रहे हैं वुड्स में ठीक है देयर वॉज वेरी डिम लाइट बहुत ही मध्य सी लाइट है वहाँ पर इनसाइड द थिक फॉरेस्ट एज लाइट कोड नॉट पैनीट्रीट अब यहाँ पर अगर हम अंदर की बात करते हैं डिम लाइट है उसके अंदर तो थिक फॉरेस्ट अब आप एक बात समझने की कोशिश करिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं या हम ओवरऑल एक ही चीज़ समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पैराग्राफ जो हम बना रहे हैं ना उस पैराग्राफ में हमने कुछ चीज़ें एड ऑन भी किया है ठीक है तो वी वेंट डी मतलब बहुत गहराई में गए कहाँ पे वुड्स में देयर वॉज वेरी लाइट ना आप देखोगे जब फॉरेस्ट का सीन होता है तो वहाँ पर क्या होता है लाइट बहुत कम होती है गहरे फॉरेस्ट में एज लाइट कुड नॉट पेनीट्रेट पेनीट्रेट मतलब घुस नहीं सकती है है ना थ्रू द डेंसली पैक्ड ट्रीज जो पैक्ड ट्रीज होती है ना ट्रीज के जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से एकदम लीव्स बना के रखती हैं इसके कारण क्या होता है आप उसके अंदर जा नहीं पाओगे आप क्या नहीं देख पाओगे लाइट नहीं आ पा रही है अंदर वी कुड हार्डली सी वन अनदर हम लोग एक दूसरे को भी बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं इज डेट वी हमको कैसे लगा कि यार हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने हमारा रास्ता जो है खो दिया है हम खो चुके थे There was fear of wild animals और वहाँ पर क्या था वहाँ पर डर था किन का वाइल्ड एनिमल्स का हंगर का थर्स का और इट वॉज गेटिंग डार्कर ऐसे क्या हो रहा था धीरे धीरे वो क्या हो रहा है डारकर हो रहा है डार्कर का मतलब आप समझते हो कि अंधकार आ रहा है ठीक है चलिए यहां दिया है वेरी thought ऑफ पासिंग नाइट इन द फॉरेस्ट ट्रेम्बल्ड us. We didn't इवन नो टू क्लाइम ट्रीज अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है द वेरी thought ऑफ पासिंग नाइट इन द फॉरेस्ट अब देखिए हर किसी आदमी से अगर हम कहें कि भाई साहब एक बार आप चले जाओ और जंगल में रात बिताकर आ जाओ तो क्या यह संभव है आप खुद सोचिए आप काप जाओगे ट्रेम्बल हो जाओगे ना तो वही बात कहिए कि एक ऐसी सोच very thought, ना वेरी थॉट ना लाइक वहां पर एक रात बिता देना कितना कठिन काम है ना एक सोच से ही आदमी काप जाए वी डिडेंट इवन नो टू क्लाइम ट्रीज हमको तो ये भी नहीं पता कि कैसे ट्रीज को क्लाइम करना है We began to search the way. हमने क्या करा हमने स्टार्ट किया था टू सर्च द वे आउट है ना हमने सर्च किया ढूंढा कि किस तरह से बाहर आना है सो दैट वी कुड समहाउ गेट आउट ऑफ इट न ताकि हम वहाँ से बाहर निकल आएं द ओनली विश एंड द ओनली प्रेयर एट दैट टाइम वॉन्स टू गेट द वे आउट उस समय जो ओनली प्रेयर ना एक आप प्रेयर करते हो प्रार्थना करते हो तो उस समय एक प्रभु से प्रार्थना की गई ना प्रार्थना करना ऐट दैट टाइम वॉन्स टू गेट द वे आउट ना उन लोगों की समस्या ये थी कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस समस्या से बाहर निकल आएँ क्योंकि हम फंसे गए सडनली वी हर्ड द हॉर्न ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू द रोड और तभी हमने क्या करा हमने एक हॉर्न की आवाज सुनी ना भोंपू आपने सुना होगा कि जब कभी भी कोई गाड़ी निकलती है पो पो साउंड निकलता है तो उसी की बात हो रही है ओह गॉड वी वर ऑन द राइट ट्रैक हम लोग कहाँ पर हैं सही दिशा में हैं वी जस्ट स्टार्टेड टू रन एज फास्ट एज वी कुरेक्शन ऑफ द साउंड हमने क्या करा डायरेक्शन की साउंड की ओर भागना चालू किया आउट ऑन हाईवे कटिंग थ्रू द फॉरेस्ट और हम लोग क्या करे हाईवे तक आए ना कटिंग थ्रू दीते हुए कितना अच्छा वो मोमेंट था वो लम्हा था वर्ड शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता इट सी एज एफ वी हैव गॉट अ न्यू लाइफ ऐसा लग रहा है जैसे हमें एक नई जिंदगी मिल गई हो बी वर्क इन पेयर्स आपको क्या करना है पेर्स में काम करना है कृष्ण पोस्टमैन चाचा कृष्ण ने क्या पोस्टमैन चाचा को कॉल किया कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन आपको क्या करना है इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है यहां पर एक लड़का है यहां पर एक ना आप पोस्टमैन चाचा को देख सकते हो यूज दिस वर्ड आपको क्या करना है कुछ वर्ड्स को यूज करना है जैसे टोमोरो

रामलाल द पोस्टमैन आप यहाँ पर दो चीजों को देख रहे हो ये बात कर रहा है फोन से और ये उनका रिप्लाई दे रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर हमको भरना है अब हम क्या भरेंगे चलो देखते हैं हेलो चाचा दिस इज कृष्ण है ना मैं कृष्ण हूं हियर फ्रॉम ढोलपुर है ना मैं ढोलपुर से हूँ तो यहां पर पोस्टमैन चाचा ने क्या करा कॉल उठाया कॉल पे बात करना चालू की इन दोनों के बीच में तो बोलते हेलो चाहू दिस इज रामलाल द पोस्टमैन ये ला, राम रामलाल है जिसका नाम मतलब ना, मैं आप मेरा नाम रामलाल है और मैं कौन हूं मैं एक पोस्टमैन हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कॉन्वर्सेशन कैसे चल रहा है दोनों के बीच में चलिए आगे देखते हैं आप कॉन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ रही है कैन यू प्लीज टेल माई पेरेंट्स दैट We will come back. अब यहाँ पर क्या आएगा यहाँ आएगा. बाय टुमारो मॉर्निंग क्या आप कृपया करके बता सकते हो मेरे पेरेंट्स को कि हम लोग ना कल सुबह तक आ जाएंगे तो यहां पर पोस्टमैन कहता है क्यों नहीं वेयर आर यू तुम कहां पर हो वी आर एट दी हम लोग कहां पर हैं? अब देखिए वो जगह बता रहा है उसने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर दे रहा है वो ढोलपुर फेयर हम लोग ढोलपुर मेले में ठीक है थर्ड देखिए वाई डू यू वॉन्ट टू स्टे क्यों आप रुकना चाहते हो बिकॉज अब यहां पर वो क्या कह रहा है क्योंकि द बस हैड ब्रोकन डाउन एंड वी देखिए पोस्टमैन ने पूछा कि क्यों रुकना चाहते हो तो इस ने क्या आंसर दिया क्योंकि द बस हैड ब्रोकन डाउन क्योंकि बस जो है वो टूट चुकी है एंड वी हैड टू वॉक और हमको क्या करना है चलना है वाई वेयर आर यू क्यों ऐसा किस लिए है अब देखिए आप एक बात नोटिस करोगे यहां दोनों पे कि दोनों जो है वो बातचीत कर रहे हैं अभी यहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है ना ये उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये आंसर दे रहे हैं तो आप देखोगे कि बार बार आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि ये उनको अपनी कंडीशन बता रहा है अब देखिए वाई वेयर आर यू मतलब तुम कहां पर हो तो ये अब वापस उनकी पोजीशन पूछेगा क्योंकि उनको पेरेंट्स को बताना भी पड़ेगा तो यही चीज है इस बात को ध्यान में रखें कि इस समय पोस्टमैन क्वेश्चन इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके पेरेंट्स को जानकारी आगे देगा Fifth, yes, we all are safe, है ना? हम लोग सब लोग सेफ है यहां पर ठीक है यस आई विल पास द मैसेज ऑन टू पेरेंट्स अब इस पर यहां पर पोस्टमैन कहता है कि मैं आपका जो मैसेज है उसको आपके पेरेंट्स को बता दूंगा नाउ See, पर देखिए नाउ राइट दैट रामलाल सेज टू देयर पेरेंट्स अच्छा अब आपको क्या करना है कि जो रामलाल अब आपने कॉन्वर्सेशन देखा ठीक है आपने कॉन्वर्सेशन में देखा कि कैसे बच्चा जो है वो बातचीत कर रहा है ना किनके साथ पोस्टमैन के साथ तो बातचीत करते समय पोस्टमैन के साथ आप इस बात को नोटिस कर पाओगे कि अब रामलाल के पास सारी जानकारी जो है वो आ चुकी है अब जब उसके पास सारी जानकारी आ गई है तो वो क्या करेगा पेरेंट्स को बताएगा तो रामलाल कृष्ण कृष्ण इसका नाम क्या है कृष्ण कॉल्ड फ्रॉम अब यहाँ पर रामलाल क्या कह रहा है कृष्ण ने बुलाया ना मतलब कृष्ण ने बोला मेरे को फोन किया है ना कॉल्ड किया कहाँ से बोला कहाँ से बोला उसने फ्रॉम ढोलपुर उसने मेरे को जानकारी दी कहाँ से ढोलपुर से कृष्ण के फादर क्या कहते हैं

Their बस ब्रोक डाउन एंड दे वॉक टू their फेयर अब उनकी बस जब पूरी तरीके से उसको अब आप, आप यहां पर चीज को ले सकते हो बस ब्रोक डाउन समस्या आ गई बस में इसीलिए वो लोगों ने क्या करा लोगों ने फेयर तक यानी जो मेला है वहां तक पैदल चलने का ठान लिया फादर बोलते हैं आर दे तो रामलाल बोलता है यस दे आर सेफ यानी वो लोग सेफ देखिए यहां पर एक चीज और है जो आपको समझना है वो ये है कि वही वही बातें हो रही जो वहां पर हुई लेकिन पेरेंट्स को जो चीजें जाननी थी वही पोस्टमैन ने उससे पूछी थी और देखो पेरेंट्स वही चीजें उनसे सुनना चाहते थे और उनका आंसर रामलाल दे पा रहा है तो कॉन्वर्सेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए ऑथेंटिक होनी चाहिए ऑथेंटिक इन द सेंस सही है ना, जो सही वेरीफाइड जो भी आप बात कर रहे हो कुछ भी पूछ रहे हो अगर कोई जानकारी किसी और तक लेकर जाना है तो इस तरह से पूछो ताकि उसको जानकारी मिल जाए लेट्स डू इट डिस्क्राइब दीज टू पिक्चर इन फाइव सेंटेंसेस आपको क्या करना है दो पिक्चर्स हैं ना डिस्क्राइब करना है दीज टू पिक्चर्स यहां पे दो पिक्चर्स आप देख पा रहे हो एक है ये अंकल जी दिख रहे हैं और एक यहां पर एक महिला दिख रही है

बिग आई शॉर्ट हेयर बॉल अब इसका मतलब गंजापन है ना ग्रैंड फादर रुक्स स्कूल गर्ल तो यहाँ पर इन क्लूज को आपको यूज करना है द मैन है ना अब यहाँ पर देखिए आदमी के बारे में मैन इन द पिक्चर इज ओल्ड एंड हैज राउंड फेस अब एक पिक्चर यहाँ पर आदमी के बारे में है वो आदमी कैसा है आदमी जो पिक्चर में दिया है वो बूढ़ा है और उसका गोल गोल फेस है ही हैज बिग आई उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं शॉर्ट हेयर है यानी बहुत छोटा हेयर है माउस टेचे माउस टेचेस का मतलब क्या होता है स्पेक्टिकल्स वो क्या करता है चश्मा पहनता है इसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ही हैज शॉर्ट हेयर एट द बैक ऑफ इज हेड और उसके गाय छोटे छोटे हेयर है ठीक है उसके पीछे एंड इज बाल फ्रॉम द फ्रंट एंड बॉल अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर आप गंजे हो ना इस इस वर्ड का क्या कहो गंजा ना तो वो गंजा है कहाँ से सामने है? से देखो ये गंजा दिख रहा है ठीक है टकला गंजा लोग कुछ कुछ वर्ड जैसे यूज़ करते हैं लेकिन हम इनको ये बोलेंगे इनके बाल नहीं है ही लुक्स लाइक माई ग्रैंड वो मेरे ग्रैंड की तरह दिखते हैं अब ये जो लड़की है इस लड़की के बारे में अब हमको क्या करना लिखना है अब लड़की को देखो कि लड़की की दो चोटियां हैं पूरी कितनी प्यारी सी लग रही तो उसका डिस्क्रिप्शन क्लू में दिया था उसी को लेकर हम क्या करेंगे लिखेंगे द यंग गर्ल इन द पिक्चर इज अ स्कूल गर्ल अब जो यंग गर्ल है इस पिक्चर में वो क्या है वो एक छोटी सी लड़की है शी हैज टू प्लेट्स अब प्लेट्स का मतलब ये चोटी दिखती ना गुथी हुई चोटी उसको कहते हैं ऑन बोथ साइड्स शी हैज राउंड फेस उसका फेस जो है वो राउंड है शार्प नोज एंड ब्यूटिफुल आईज एंड लिप्स उसके नोज जो है वो बहुत शार्प है ठीक है और उसकी ब्यूटीफुल आंखें हैं और लिप्स हैं शी वेयर्स बैंगल्स वो क्या करती है वो चूड़ियाँ पहनती है एंड देयर इज अ स्मॉल बिंदी ऑन हर फॉर हेड ना उसके जो फोर हेड है या फोर हेड जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला वहाँ पर एक बिंदी लगी है शी इज टॉकिंग टू हर ग्रैंड फादर ऑन फोन और वो क्या कर रही है अपने दादाजी से बातचीत कर रही है किसके द्वारा फोन के द्वारा इसी के साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज का पार्ट हो गया है कंप्लीट माय डियर स्टूडेंट्स एक अन्य जानकारी जो आपको देना चाहूंगा हमारे पास सारे टॉप कोर्सेस हैं आप लोगों के लिए और हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त ठीक है डियर स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका धन्यवाद